घर में थी तब थोड़ी दुखी थी, खुश थी, या घर पे निकलने के बाद ज्यादा खुश हो गई है? नहीं, मैं बिग बॉस के घर में बहुत खुश थी सच में. मैंने गेमिंग प्लॉटिंग ज्यादा करी ही नहीं. मैं जैसे अपने रियल लाइफ में होना लाइक जल्दी सी हंसी मजाक करने वाली, खुश रहने वाली, बिल्कुल वैसी थी वहाँ पे. सो इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी देयर. ओके, एंड अब दिल चाहता है कि वापस मौका मिले तो मैं वापस जाऊँ. कितना कनेक्ट करती हैं आप अभी? आप घर से बेघर हो गई हैं और जब आप देखती हैं बाकियों को, आपके जो साथ में थे, तो कैसा लगता है आपको? मिस करती हैं आप? जो फनी मोमेंट्स आते हैं तो मुझे एक्चुअली में लगता है हाँ यार, ये तो सच में वैसा ही है. एंड हाँ, बट लोग बहुत अच्छे से गेमिंग एंड प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत कर रहे हैं. और मैं क्योंकि स्टार्टिंग में 2 वीक्स थी तो इतनी उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ी. कुछ हद तक मैंने भी करी, बट जिस हिसाब से अब जितनी इंटेंसिटी से कर रहे हो तो शायद मैं अभी घर पे होती तो मैं भी उस लेवल तक जाती और कुछ नई स्ट्रैटेजीज लगा के लोगों को अपनी साइड ले लेती और शायद गेम का रूप जो होता है वो बिल्कुल अलग होता. अच्छा, जिस तरह से अनूप और श्री घर के अंदर थे और दीपिका का रियल फेस उन्होंने देखा कि बोलती कुछ और हैं, करती कुछ और हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब अपने मन के अंदर या फिर ऐसा बोला, आपस में बात किया कि जब हम घर पे जाएंगे तो दीपिका को उसका असली चेहरा दिखाएंगे, दिखाने में वो ये भी हो सकता है कि दीपिका एज यूजुअल रोने लग जाए हर बात पे, जैसे वो रोती रहती है तो छोटी छोटी बात पे वो रोएंगी, मेडिसिन का भी ख्याल रखेंगी, और अब तो नेहा भी नहीं है जिनके पास जाके वो बुराइयाँ कर सके. तो यू नो इट्स अ डाइसी केस. और फिर लड़की के आंसू देख के लड़का पिघल ही जाता है आफ्टर ऑल, तो अब क्या पता श्री पिघल जाए. बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि श्री उनको दिखाएं कि वो ठीक है, थोड़ा मान गए हैं, बट खेले वो अपने मन की. सो इट्स अ डाइसी सिचुएशन.